इंडिया गठबंधन की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई पद नहीं मिलने के साथ ही पीएम पद के लिए नाम आगे नहीं आने को लेकर भाजपा चुटकी ले रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बैठक में नीतीश कुमार को खाना मिला था, भोजन के लिए ही ये लोग जाते हैं। इंडी गठबंधन के लोग अलग अलग व्यंजन का रस लेते हैं, ये लोग किट्टी पार्टी करते हैं, एक दूसरे से विचार नहीं मिलते हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, आएंगे तो मोदी, छाएंगे तो मोदी। भाजपा में कोई भी शामिल हो सकता है, एक मिस कॉल पर सदस्य बन सकते हैं, लेकिन जदयू के लिए भाजपा का दरवाजा खुला नहीं है। नीतीश कुमार हमारे साथ थे, अच्छे थे, अब ना खुदा रहा ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। नीतीश कुमार मिला ही नहीं, खरगे जी का नाम पर नहीं, वहाँ खाना मिला था उनको, भोजन के लिए ही जाते हैं ये लोग। जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग व्यंजन का रस लेते हैं। पटना आए तो लिट्टी चोखा खाया, यहाँ का खाजा खाया, मनेर का लड्डू खा के चले गए। यहाँ भी ममता जी रूठ के गई, एक जगह केजरीवाल रूठ गए, साउथ इंडियन डिश चखा, फिर मुंबई गए अटाटा बड़ा खाया, फिर दिल्ली आए गोलगप्पे खाए, अब कुछ नहीं मिला। तो ये लोग तो एक तरह से किट्टी पार्टी करते हैं, एक दूसरे से विचार नहीं मिलते, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन एक दूसरे को अपमानित करते हैं। अखिलेश यादव को अखिलेश वखिलेश कह दिया और फिर एक मंच पे बैठ के बैठ में भोजन करते हैं। जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, अलग दल का भी आदमी हो तो भोजन कर रहा तो हम लोग भाग थोड़ी जाते हैं। ये लोग सिर्फ पार्टी करने जाते हैं, इनकी कोई पार्टी नहीं, बिना संयोजक के इंडी गठबंधन है और इनसे कुछ निकलने वाला नहीं है। आएंगे तो मोदी ही, छाएंगे तो मोदी। भाजपा में आना चाहेंगे तो स्वागत कीजिए क्या नीतीश कुमार का? भाजपा में तो कोई भी मिस कॉल मारता है तो भाजपा में आ जाता है, लेकिन जदयू के लिए दरवाजे भाजपा के बंद है। लेकिन कोई भाजपा की सदस्यता लेना चाहे अगर तो हमारे जिला अध्यक्ष ही उसको पट्टा पहना देते हैं, बिना शर्त। तो हम लोग सबको ज्वाइन करा रहे हैं, जितने लोगों को बीजेपी ज्वाइन करा रहे हैं हम लोग, वो बिना शर्त ज्वाइन कराते हैं। तमिलनाडु के नेता कह रहे हैं कि बाथरूम साफ करते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, जो हिंदी बोलते हैं बिहार यूपी के लोग, बताएगा ना। हम उनके, हम तो चिमटे से भी इंडी गठबंधन को नहीं छूते, हम क्या जानेंगे उनका क्या हल करेगा वो। लेकिन यही पता है कि हमें छोड़ के गए थे, न खुदा ही मिला न वैसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। की बात है कि बिहार यूपी के लोगों के लिए इंडी गठबंधन के डीएमके नेता अपमानित भाषा का उपयोग कर रहे हैं। हमारे लोग स्किल्ड वर्कर हैं, यहाँ इंडस्ट्री हमने लगाई तो बहुत से टेक्सटाइल के लोग आए, हमारे जो वर्कर हैं वो स्किल्ड वर्कर हैं, वो टॉयलेट साफ करने वाले नहीं हैं। लेकिन ये अपमान का घोंट लालू जी नीतीश जी के वजह से बिहारी पी रहे हैं। अगर इन्होंने फैक्ट्रियां लगाई होती, उद्योग लगाया होता तो हमारा व्यक्ति वहां नहीं जाता, बल्कि हम वहां के व्यक्ति को रोजगार देते। अगर मुझे और कुछ साल मिल जाता तो पूरे देश से लोग यहाँ रोजगार करने आते। बिहार के लोग तो रोजगार करते ही, क्योंकि स्किल्ड वर्कर बिहार में है, मार्केट बहुत बड़ा बिहार है, लेकिन फिर भी बिहार के लोगों को इस तरह की भाषा सुननी पड़ रही है। और लालू यादव और नीतीश कुमार और कांग्रेस और अखिलेश यादव, इनको जवाब देना चाहिए कि इंडी गठबंधन के डीएमके नेता जो अपमानित कर रहे हैं बिहारियों को, उसके जिम्मेदार ये लोग हैं या नहीं है। आखिरी सवाल, नीतीश जी का क्या स्टैंड रहेगा आज का? आखिरी कीजिए ना फिर, गठबंधन में क्या स्टैंड रहेगा नीतीश जी का आगे? किन का? नीतीश कुमार का, इंडिया गठबंधन। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है।
पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर की सभी गिरजाघर में प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिवस पर क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। इस त्यौहार को मंगल कामनाओं के साथ जन्मदिन मनाकर प्रभु यीशु मसीह से मानव कल्याण के लिए प्रार्थना की। लोगों ने सुख शांति की भी कामना की। भागलपुर शहर के सभी गिरजाघरों में अच्छी खासी भीड़ देखी गई। भागलपुर के कहचारी चौक स्थित बेनेडिक्ट्स चर्च एवं घंटाघर के पास स्थित गिरजाघर में लोगों ने कैंडल जलाकर प्रभु यीशु से पूरे देश में अमन शांति बहाल होने की प्रार्थना की। बच्चों ने खूब इंजॉय किया, साथ ही सभी चर्च के सामने मेले का माहौल था। लोगों ने एक दूसरे को गिफ्ट देकर केक खिलाकर और गले मिलकर बधाइयां दी। 25 दिसंबर को बड़ा दिन भी माना जाता है। प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन पर ईसाई धर्म के लोग गिरजाघर में एकत्रित होकर उनकी आराधना कर जन्मदिन सेलिब्रेट करते दिखे। वहीं ईसाई धर्म के अनुयायियों ने प्रभु ईसा मसीह को याद किया। अनुयायियों ने कहा कि प्रभु ईसा मसीह संसार में मानव का कल्याण करने एवं पापियों का उद्धार करने के लिए आए थे। संसार के लोगों को अपने पाप एवं गलतियों का प्रायश्चित कर प्रभु ईसा मसीह से प्रार्थना करनी चाहिए। यही पे पास पे घर है, क्रिसमस मनाने आए हैं तो भी बस गेट खुलने का वेट कर रहे हैं। कितना एंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज्यादा। चर्च में क्या कुछ करते हैं? प्रेयर? हाँ, कैंडल चलाते हैं, फिर प्रेयर करते हैं। हमने आया चर्च घंटाघर। आज क्रिसमस डे है, 25 दिसंबर है। आज यहाँ हम लोग इंजॉय करने आए, बट चर्च यहाँ पे बंद देख रहे हैं, गेट बंद है, अंदर जा नहीं सकते। तो यहाँ पे हम लोग कैंडल जलाए, घूमने फिर घूमे और बहुत सारा इंजॉय किए, मस्ती किए। मेरी फ्रेंड भी आई है। विश मांगे जो हम लोग का पूरा हो जाए। आज हम लोग आए हैं क्रिसमस ट्री घंटाघर के पास। हैप्पी मैरी क्रिसमस ट्री। कैंडल जलाने आए हैं और विश मांगने आए हैं, जो भी विश हो पूरा हो जाए हम लोग का। और हम लोग घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं फ्रेंड लोग के साथ। अभी तो मतलब जस्ट आई एंड मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू। हम लोग बहुत सारे फ्रेंड के साथ बहुत ईयर के बाद मिले हैं और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और हम लोग सोच रहे हैं कि गेट खुल जाए तो हम लोग कैंडल जलाएंगे। और बहुत थैंक यू। क्या खाई आज? आज अभी तक तो कुछ नहीं खाया है, अभी खाने का सोचा है, बाद में खाऊंगी। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में स्केटिंग सीखने वाले बच्चों के ग्रुप ने अनोखे तरीके से क्रिसमस डे को सेलिब्रेट किया। इस दौरान बच्चों का ग्रुप आज कचहरी चौक स्थित गिरजाघर पहुंचे और वहां से ग्रुप बनाकर शहर के कई मार्गों पर स्केटिंग करते दिखे। इस दौरान सारे बच्चे सांता क्लाउज के परिधान में दिख रहे थे। कोच अमन ने बताया कि स्केटिंग सीखने वाले बच्चों ने अलग तरह से क्रिसमस डे को सेलिब्रेट किया है। इस दौरान रोड सेशन भी हुआ जिसमें बच्चे सांता क्लाउज का ड्रेस पहनकर स्केटिंग किए। भारतीय राजनीति के युग पुरुष, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस पर आज भागलपुर के आस्था गार्डन मुंदीचक में सुशासन दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। उनके चित्र पर लोगों ने पुष्पांजलि की और उन्हें श्रद्धा पूर्वक याद किया। इस अवसर पर भाजपा द्वारा संगोष्ठी एवं अटल काव्यांजलि का भी आयोजन किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व सांसद सैयद शाहनवाज हुसैन मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल थे। सैयद शाहनवाज हुसैन मीडिया से बात करते हुए कहे कि अटल बिहारी वाजपेयी की आज धूमधाम से भागलपुर में विशेष रूप से जयंती मनाई गई है, जिसको लेकर गोष्ठी और काव्यांजलि का भी आयोजन किया गया है। क्योंकि भागलपुर से अटल बिहारी वाजपेयी का एक अलग लगाव था, वहीं कार्यक्रम के दौरान भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देखिए, आप देख रहे हैं कि एक भव्य कार्यक्रम जिला अध्यक्ष जी ने यहाँ आयोजित किया है। और क्योंकि मैं अटल जी की कैबिनेट का सदस्य रहा हूं और भागलपुर में उन्होंने पत्र के माध्यम से हमारे लिए वोट भी मांगा था, तो सदा उनका आभारी हूं। और भागलपुर पे जीतने पे एक बहुत अच्छा लड्डू भी खिलाया था, तो अटल जी बहुत याद आते हैं। हम सब कार्यकर्ता के लिए वो एक आदर्श हैं और आज उनका जन्मदिन है, तो हम लोग पूरे बिहार में सबसे भव्य तरीके से भागलपुर में मनाया जा रहा है, क्योंकि भागलपुर अटल जी बहुत बार आए और भागलपुर के एक एक कार्यकर्ता से उनका परिचय,
कई के पास आज भी तस्वीरें हैं, चिट्ठी है, और पूरे देश में सुशासन दिवस के तौर पर। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन भागलपुर का 25 साल पूरा होने के उपरांत सिल्वर जुबली समारोह का आयोजन 24 से 25 दिसंबर को सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में मनाया गया। इस कार्यक्रम का विधिवत समापन बांका के पूर्व सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव ने किया। इस सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य पर जिला स्तरीय एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता में हजारों एथलीट्स ने भाग लिया। आज विजय हुए सभी खिलाड़ियों को पूर्व सांसद सह पूर्व मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने पारितोषिक कर सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान अंपायर का निर्णय काफी साफ सुथरा था और कार्यक्रम काफी सफल रहा। वहीं व्यवस्था को लेकर सभी कार्यकर्ता काफी एक्टिव दिखे। मुख्य रूप से यह कह सकते हैं कि एथलेटिक्स एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में एड़ी चोटी एक कर दी थी। वहीं कार्यक्रम के तहत होने वाले जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जेड हसन ने कहा कि अगले वर्ष इससे भी बेहतर कार्यक्रम कराया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा कि यहां के खिलाड़ियों को बिहार नहीं देश और देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनानी चाहिए। इसके लिए सरकार की ओर से अगर किसी तरह की त्रुटि होगी तो उस पर वार्ता कर इसे ठीक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खेल कूद एक ऐसा क्षेत्र है जहां किसी तरह की जाति धर्म नहीं देखी जाती। कार्यक्रम को सफल बनाने में एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव से लेकर सभी कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत की, जिससे यह कार्यक्रम काफी सफल रहा। जानकारी एथलीट संगठन के अध्यक्ष सुपाल भारती ने दी। सारी शुभकामना और बधाई देता हूं कि आप लोगों के सहयोग से ही ये लगभग दो दिन का समापन कार्यक्रम हुआ और जिले के अधिकांश बच्चे बच्चियां जो भाग लिए इसका पूरा क्रेडिट मीडिया बंधु को जाता है। आप लोग प्रचार प्रसार में काफ़ी सहयोग किए, इसके लिए प्रिंट मीडिया बंधु, सोशल मीडिया बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधु को ढेर सारी शुभकामना और बधाई। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर गए कई आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं की नौकरी छिन गई, लिहाजा सेविका सहायिका जनप्रतिनिधियों के कार्यालय का चक्कर काट रही है। आज दर्जनों सेविका सहायिका भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के आवास पर पहुंची, हालांकि उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। विधायक अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री तक उनकी बातों को पहुंचाने की बात कही थी। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने बताया कि बीते दिनों बिहार में हजारों आंगनबाड़ी सेविका सहायिका वेतन में बढ़ोतरी, सरकारी कर्मी का दर्जा देने समेत 5 सूत्री मांग को लेकर आंदोलन कर रही थी। संघ के कहने पर हड़ताल पर गए थे, लेकिन अब चयन मुक्त कर दिया गया है। हम लोग अब पुनः चयन की मांग कहना चाह रहे हैं। हम तो सर यही ना चाहेंगे, हमको नौकरी से वापस लाया जाए, मेरी तो यही चाहत है। क्या स्थिति है अभी? स्थिति बहुत गंभीर है सर, बच्चे लोग भी अब लाभार्थी सब भी घर पे आने लगे, मैडम कब स्कूल खुलेगा, कब स्कूल खुलेगा, बच्चे लोग कुपोषित हो रहे हैं। उनका एक मुख्यमंत्री जी का एक अति भी था, योजना भी था, जिसमें गर्भवती धात्री का हम लोग फॉर्म भर रहे थे, उस फॉर्म से भी बाधित हो रही है। बहुत आदमी परेशान कर रहा है इस चीज के लिए हम लोग को। प्रधानमंत्री बस हम लोग को पहले नौकरी से वापस लाया जाए। अब मान लीजिए क्या कहता है, ये तो नया तो हड़ताल हुआ नहीं था, ये मानव अधिकार में आता है, अपने हक हिस्सा के लिए सबको लड़ता है। संघ की तरफ से कोई स्टैंड नहीं? संघ के लिए बोला, कोशिश किया जा रहा है, लौटाया जाएगा, बस यही आश्वासन दिया जा रहा है। अधिकारियों के पास भी गए थे? नहीं, अधिकारी के पास नहीं गए थे, अपने हाँ प्रतिनिधि के पास, जिला हाँ डीएम सर के पास गए थे, अपने डीपीओ मैडम के पास गए थे। लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या कुछ मांग है और क्या किया गया है सरकार की? सर अभी तो मांग को रहने दीजिए एक साइड में, पहले हम लोग नौकरी पे आ जाए, बस यही चाहेंगे। क्यों हटाया गया नौकरी से, क्या कारण है? यही हम लोग 15 सूत्री मांगों पर गए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इसी के विरोध में हम लोग को पता चला कि हम लोग को हटा दिया गया है। कितने हैं हमारी सेविका सहायिका? अभी पूरा भागलपुर में अगर कहे तो 1714 सेविका सहायिका बर्खास्त है, और पूरे बिहार को लेके कहे तो 18,220 सेविका सहायिका बर्खास्त है। कितने दिन हो गए? 29 सितंबर से हम लोग धरना प्रदर्शन में थे, और आज आपका 25 दिसंबर हो गया, 6 तारीख को हम लोग को चयन मुक्त किया गया, जिसका 7 तारीख को हम लोग को पता चला। 7 तारीख को हम लोग को नहीं, हम लोग के ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं था, ना हम लोग के आंगनबाड़ी के सेंटर पे ऐसा कुछ बताया गया कि आप लोग को चयन मुक्त कर दिया गया है। बस उड़ते उड़ते पता चला कि बस हम लोग को चयन मुक्त कर दिया गया है। 7/11 से अभी संघ का क्या स्टैंड है? पता नहीं संघ वहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग को अभी कुछ आइडिया नहीं। अभी कहाँ आए? अभी हम